हेलो दोस्तों, मैं सुभान था अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, जो कि आपके आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। तो अगर किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर एक शहर नहीं है। तो करवाड़, मैंगलोर, सूरत या गोपालपुर। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? गोपालपुर है दोस्तों। कौन सा है? गोपालपुर। गोपालपुर निम्नलिखित में किस तट पर स्थित है शहर? तो याद रखना दोस्तों, ये पूर्वी तट पर स्थित है। किस तट पर स्थित है? पूर्वी तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम झील है? कोडाइकनाल, कोलोरू, नैनीताल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? कोडाइकनाल, जो कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है दोस्तों। कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? नैनीताल, शिमला, सिक्किम, माथेरन। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? नैनीताल है। कौन सी ताल है? नैनीताल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन एक पारंपरिक जल भंडारण संरचना नहीं है? जोहर, टांका, कुंड या हरियाली। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? हरियाली। कौन सी हरियाली? हरियाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि भारत में विशालतम लेगून निम्न में से कौन सा है? वेम्बनाड, चिल्का, पुलिकट या कोलेरू। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो कौन सा है? चिल्का झील, जो कि हमने पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। अभी चिल्का झील कहाँ पर है दोस्तों? तो मैंने आपको बताया था ये है उड़ीसा के अंदर। वेम्बनाड कहाँ पर है? केरल के अंदर। पुलिकट कहाँ पर है दोस्तों? पुलिकट आंध्र प्रदेश में। और कोलेरू की कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर है दोस्तों। चिल्का एक खारे पानी की जल लेगुन है जो भारत के पूर्वी तट ओडिशा में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। रेणुका झील है जो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में कम ऊंचाई वाली झील है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि सांबर झील किस राज्य में स्थित है? पंजाब, मिजोरम, राजस्थान या गुजरात। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा है दोस्तों? राजस्थान। सांबर झील की अगर बात करें तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसके बारे में बात करिए तो सांबर साल्ट लेक जयपुर शहर से 180 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम और राजस्थान के अजमेर के 54 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो वो कौन सी है दोस्तों? एशिया की सबसे बड़ी झील है जो चिल्का है। कौन सी लका है? चिल्का है। वुलर झील कहाँ पर है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। लोकटक झील मणिपुर के अंदर है। और पुलिकट कहाँ पर है दोस्तों? तो मैंने आपको बताया था पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश के अंदर। उड़ीसा की चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह महानदी के मुहाने के दक्षिण में स्थित है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि सूर्यधार झील किस राज्य में स्थित है? सूर्यधार झील किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा है दोस्तों? उत्तराखंड। कौन सी खंड है? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक खारे पानी की झील है? पुगांग, तसो, नैनीताल, कोलेरू, लोकटक। तो इसका कौन सा सही आंसर है दोस्तों? पुगांग तसो। पुगांग तसो लद्दाख के अंदर है। नैनीताल कहाँ पर है दोस्तों? उत्तराखंड में है। कोलेरू झील कहाँ पर है? तो ये याद रखना है। कोलेरू कहाँ पर है दोस्तों? अभी बताया था मैंने, आंध्र प्रदेश में। लोकटक कहाँ पर है? मणिपुर के अंदर स्थित है। अगर बात करें पुगांग तसो की, पुगांग तसो लद्दाख की सबसे प्रसिद्ध झील है। पुगांग जो लेह के लगभग कितना है? 250 किलोमीटर दूर है। और यह दुनिया का सबसे ऊंचा खारे पानी की क्या है? झील है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो मैंने आपको बताया था किस राज्य में है, मणिपुर के अंदर है। किस राज्य में है? मणिपुर में। लोकटक झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। लोकटक झील मणिपुर राज्य के मोइरंग में स्थित है, मोइरंग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किबुल लामजो दुनिया का एकमात्र तीर्थ व राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों तो ये आपको याद रखना है, मणिपुर के अंदर। मणिपुर में एक झील है जिसका नाम क्या है दोस्तों? लोकटक। लोकटक झील में ये किबुल लामजो के राष्ट्रीय उद्यान स्थित है दोस्तों, ये भी क्या रखना है आपको, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी की बात करें तो इसका क्षेत्रफल लगभग 40 किलोमीटर है। कितना है? 40 किलोमीटर। यह दुनिया का एकमात्र तीर्थ व पार्क है। किबुल लामजो पार्क लोकटक झील के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। यह फंडिस नामक बायोमास के पेच और रिंग के लिए जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना केंद्र सरकार द्वारा आयोजित प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को जल संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों, आपको याद रखना है, जल क्रांति अभियान, हरियाली, मीरू या अरवरी पानी पसंद। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा है? हरियाली है दोस्तों। कौन सा है? हरियाली। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोनार झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? लोनार झील किस राज्य में स्थित है आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। कौन से राष्ट्र में है? महाराष्ट्र में। अब देखो दोस्तों, ये लोनार झील है महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित खारे पानी की क्या है झील है? बुलढाणा में स्थित खारे पानी की क्या है झील है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रखा गया है? मैंने पिछली क्लास में ये बताया था कांडला बंदरगाह का। किस बंदरगाह का? कांडला बंदरगाह का नाम रखा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नागिन झील किस राज्य में स्थित है? नागिन झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो याद रखना जम्मू कश्मीर के अंदर है दोस्तों। कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो नागिन झील जम्मू कश्मीर और श्रीनगर शहर की डल झील से लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह झील आसपास के क्षेत्रों में जवेल इन द रिंग के नाम से भी काफ़ी विख्यात है और चारों तरफ पेड़ों से घिरी हुई है दोस्तों। चारों तरफ क्या है? पेड़ों से घिरी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि उमियम झील किस राज्य में स्थित है? उमियम झील किस राज्य में स्थित है? उमियम झील तो किस राज्य में है दोस्तों? मेघालय के अंदर है। किस राज्य में है? मेघालय के अंदर है, मेघालय। उमियम झील की अगर बात करें, उमियम झील भारत के पूर्वोत्तर जो मेघालय की राजधानी शिलोंग के उत्तर में लगभग कितने किलोमीटर है? तो 14 किलोमीटर दूर पहाड़ों पर एक जलाशय स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? नर्मदा, चंबल, कोसी या घाघरा? तो इसका जो सही आंसर है कौन सा है दोस्तों? चंबल नदी है। कौन सा नदी है? चंबल नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से भारत का प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखना दोस्तों, प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम है दोस्तों। कौन सी पट्टनम है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का एक मात्र बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत के 13 प्रमुख बंदरगाहों में से एक है दोस्तों। लास्ट एंड अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हुसैन सागर झील है? तो याद रखना दोस्तों, किस राज्य में है? तेलंगाना के अंदर है। किस राज्य में है? तेलंगाना के अंदर है दोस्तों। किस राज्य में? तेलंगाना में। हुसैन सागर झील किस राज्य में है? तेलंगाना के अंदर है। अगर बात करें ना एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक हुसैन सागर झील जो हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखना दोस्तों। धन्यवाद।